हेलो दोस्तों, ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का सेकंड पार्ट है। यदि आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके पहला पार्ट देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यानी कि दूसरा पार्ट, यानी कि हम नेगेटिव वाला देखते हैं। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। देखिए, पहचान क्या है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की? इसमें कार्य का जो है करना या होना भविष्य में पाया जाता है। यानी जो कोई कार्य है हम अभी नहीं कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे, तो ये नकारात्मक है। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तो इसका रूल देखते हैं। पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता इंग्लिश बनाएंगे, फिर शैल या विल लगाएंगे, फिर इसके बाद नहीं यानी कि नोट का इंग्लिश बनाएंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की इंग्लिश बनाएंगे। जैसे तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तुम का यू हो गया, फिर आएगा शैल या विल, यू के साथ विल आता है, यू विल, फिर नहीं का नोट, फिर इसमें बनाएंगे क्रिया का, क्रिया जो है पढ़ना है, तो पढ़ना का रीड हो गया, फिर क्या पढ़ना, पुस्तक, तो द बुक। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यू विल नोट रीड द बुक। अब अगला देखते हैं रूल, जिसमें क्या शब्द पहले आता है। जैसे क्या वे आम नहीं खाएंगे। देखिए, इसमें क्या शब्द पहले आ गया है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि गा गे गी के इंग्लिश है, विल या सेल, वो पहले ही आ जाएगा। रूल देखते हैं, विल या सेल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट के इंग्लिश बनाएंगे, फिर यदि नहीं दिया है तो नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, फिर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। क्या वे आम नहीं खाएंगे, तो पहले विल या सेल आएगा, वे के साथ, वे का इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ विल आता है, विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे, दे, फिर इसमें नहीं दे रखा है तो नोट का बनाएंगे, फिर खाना का होता है ईट, ईट ये क्रिया है यानी कि वर्ब है, क्या है आम, तो द मैंगोस। क्या वे आम नहीं खाएंगे, विल दे नोट ईट द मैंगोस। अब देखते हैं कहाँ विल आता है और कहाँ पे सेल आता है। आई एंड वी के साथ सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ, बाकी सभी जैसे कि यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, नेम हो गया, इन सब के साथ विल आता है। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, गा के गी, गा के गी का इंग्लिश होता है विल या सेल। आई और वी के साथ आता है सेल, यू दे ही नेम या फिर एक वचन हो या बहुवचन हो, इन सभी के साथ आता है विल। आई और वी के अलावा सभी के साथ विल आएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। अब इसकी अगली वीडियो यानी कि जो डब्ल्यू एच फैमिली है वो अगले पार्ट में आएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। कृपया अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना न भूलें।